स्वागत आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बड़ी खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है विद्यालय खोलने से पहले विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जाए। जी हां, यूपी स्कूल रीओपन, आपको पता होगा 16 अगस्त से विद्यालय खुल रहा है 9वीं से 12वीं तक, लेकिन सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि पहले तैयार की जाए एक विस्तृत गाइडलाइन, तय होगा विद्यालय का समय। क्या पूरी खबर है बताएंगे आज की इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। एक छोटी सी जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम विद्यालय खोलने के समय को लेकर गाइडलाइन तैयार करने में जुट गई है। यह टीम तय करेगी कि कितने समय के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान खोला जाए। आप इसे ध्यान समझे, ये टीम तय करने वाली है कि कितने समय के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इस दौरान बढ़ती जाने वाली सावधानी के संबंध में भी गाइडलाइन जारी की जाएगी कि बच्चों को किस प्रकार से विद्यालय में प्रोटोकॉल के जरिए रखना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्देश दिया था विद्यालय खोलने का और विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने का। इसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की विशेष टीम हर स्थिति का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी। संभव है कि आज सोमवार को यह टीम शासन को अपनी रिपोर्ट दे देगी। आपको पता होगा कि माध्यमिक स्कूल, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है और 16 अगस्त से उनकी कक्षाएं ऑफलाइन स्टडी के लिए खोली जाएंगी। इसके लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। आपको बता दें, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लगातार कम होते संक्रमण के मामलों के बीच टेस्टिंग की प्रक्रिया को कम नहीं होने दिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल समेत दूसरे राज्यों से अधिक उत्तर प्रदेश में जाँच की जा रही है। इसी तरह टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। अब तक 5,36,00,000 लोगों को कोविड वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, जिसमें 4,52,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। तो इम्पोर्टेंट खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कि एक गाइडलाइन तैयार की जाए बच्चों के लिए, विद्यालय कितने टाइम तक बुलाना है और प्रोटोकॉल क्या होगा जिससे उन्हें कोविड से बचाया जा सके। तो बड़ी खबर थी, आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और 9वीं से 12वीं तक विद्यालय खोलने का फैसला हो चुका है, अब आपको सिर्फ 16 अगस्त से ऑफलाइन स्टडी के लिए अपने रोल नंबर के हिसाब से जाना होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।